दशकों से देश विरोधी ताकतें भारत को कमजोर करने के लिए युवाओं को नशे के जाल में फंसाती रही है। लचर कानून, केंद्र राज्य एवं विभिन्न संस्थानों के बीच समन्वय की कमी और जवाबदेही सुनिश्चित ना होने से स्थिति गंभीर हो गई। ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार व अपने दोस्तों को भी, आपको चाहने वालों को भी दुखी कर रहे हैं, उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं। नशे के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के परफॉर्मेंस को प्रभावी बनाने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत अंतर विभागीय समन्वय पर निरंतर जोर दिया है। इस अभियान को आगे ले जाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को नशा मुक्त करने का प्रण लिया है। नशा मुक्त भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नशे के खिलाफ जनमानस बनाने के साथ सभी राज्य सरकारों के सहयोग व अभियान में जुटी संस्थाओं के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में कई प्रभावशाली कदम उठाए गए, जैसे एनकॉड की 4-स्तरीय मैकेनिज्म के द्वारा समन्वय। इसके तहत सभी स्तरों पर एनकॉड के सभी स्टेक होल्डर्स की नियमित मीटिंग के निर्देश के अलावा एनकॉड पोर्टल पर एकीकृत ड्रग के डेटा, प्रबंधन, न्यायालय के आदेश, संबंधित नियम व कानून इत्यादि उपलब्ध है। इसके साथ ही सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया और इसका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 19 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में हुआ। अवैध ड्रग्स में डार्क नेट व क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते उपयोग पर शिकंजा कसते हुए गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर मैक की सीमा का विस्तार करते हुए सब मैक की शुरुआत की गई है। अब ड्रग्स के मामलों में डार्क नेट, क्रिप्टो करेंसी के इनपुट भी साझा किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर आपसी समन्वय के महत्व को देखते हुए नार्को संबंधित मैकेनिज्म में सभी केंद्रीय स्तर के स्टेक होल्डर्स तथा राज्य स्तरीय समिति में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बीच समन्वय को बढ़ाया गया है। साथ ही एनसीबी ने सभी गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर एक एकीकृत डेटाबेस निदान भी तैयार किया है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया पर नियंत्रण के उद्देश्य से डीए, एएफपी, एनसीए, आरसीएमपी जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भी उचित समन्वय किया गया है। मोदी सरकार का मानना है, नशे के आदि युवा विक्टिम है, क्रिमिनल नहीं। इसीलिए इन युवाओं को नशे की गिरफ्त से निकालने और उनके रिहैबिलिटेशन के लिए जनता को साथ लेते हुए विशेष जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं वो बेचारे विक्टिम है, हमारा सिस्टम में नाटे उनको वापिस लाने का प्रयास होना चाहिए। इसी क्रम में एनसीबी पूरे भारत में ड्रग सेवन की दृष्टि से 372 सबसे संवेदनशील जिलों में 8,000 युवा वॉलंटियर्स के माध्यम से ड्रग्स के खिलाफ जन जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है। अब तक 3 करोड़ से अधिक युवा और 2 करोड़ से अधिक महिलाएं इस अभियान से जुड़ चुके हैं। मोदी सरकार द्वारा ड्रग्स के खिलाफ इस लड़ाई को डिटेक्शन, नेटवर्क के डिस्ट्रक्शन, कल्प्रिट के डिटेंशन और एडिक्ट्स के रिहैबिलिटेशन पर एक समान ध्यान देकर अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के प्रयास, नीति और रणनीति से देश अपने लक्ष्य नशा मुक्त भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नशा मुक्त भारत ही आने वाली पीढ़ी और देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें, जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाए तब भारत और भारत के युवा ड्रग फ्री हो जाए।